ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, ये सरे हुए फलों के जैसा होते हैं। इनके कांटेक्ट में जब भी हम ज़्यादा देर तक रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी अंदर से सड़ने लगते हैं। अब कुछ मामले में हम इनसे दूर भी नहीं रह पाते, क्योंकि ये लोग कभी कभी हमारे घर में या कॉलेज में या फिर ऑफिस में भी होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है भगवान ने इस इंसान को अभी तक ज़िंदा क्यों रखा है। बस ये इंसान अगर मर जाए तो पता नहीं कितने लोग थोड़ा चैन से जी पाएंगे। अब जो भी हो, इनसे डील तो करना ही होगा। तो इनसे डील करने का सही तरीका क्या है, कैसे हम इन टॉक्सिक पीपल की अल्ट्रा नेगेटिविटी से खुद को बचा सकते हैं, वही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर इन टेक्निक्स को आप सही से अप्लाई कर लोगे तो टॉक्सिक पीपल की नेगेटिविटी से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, डोंट ट्राई टू फिक्स देम। जैसे ही हम टॉक्सिक पीपल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है, यार ये ऐसा क्यों है, काश ये थोड़ा सुधर जाता, जो कि सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को आप बदल सकते हो, और वो है खुद को। जैसे ही आप दूसरे किसी को फिक्स करने की कोशिश करोगे या सोचोगे भी, तभी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरे किसी के बिहेवियर पे आपका 0% कंट्रोल है। जहाँ पे आपका 0% कंट्रोल है, उसी चीज़ को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते रहोगे तो फ्रस्ट्रेटेड फील होना तो जाहिर सी बात है। तो इन टॉक्सिक पीपल से डील करना है तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि वो बंदा कभी नहीं सुधरेगा, वो जैसा था वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। बिल्ली चूहे को खाएगी ही, फिर चाहे मैं बिल्ली को कितना भी डांटूं या मारूं, क्योंकि ये बिल्ली की नेचर है। बिल्कुल ऐसे ही जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, नेगेटिविटी फैलाना उनका नेचर बन जाता है। आप, मैं या कोई भी उनसे कितना भी कह दे, वो नेगेटिविटी फैलाते ही रहेंगे। जैसे ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके अंदर की एक लड़ाई तुरंत बंद हो जाती है और आप पीसफुल बनने लगते हो। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, चेंज योर सेल्फ। उन टॉक्सिक पीपल पे आपका 0% कंट्रोल है, लेकिन खुद पर 100%। आपकी मर्जी आप गोबर देख के मन में क्या सोचते हो। आप चाहो तो गोबर देख के मन में ये सोच सकते हो, या कितना गंदा है, या फिर ये भी सोच सकते हो, कितनी काम की चीज़ है ना ये गोबर, इसकी मदद से कितने गरीबों के घर में चूल्हा जल पाता है। तो जैसे ही आप इन टॉक्सिक पीपल के कॉन्टैक्ट में आते हो तो एक डीप ब्रेथ लो और अपने थॉट्स को बारीकी से ऑब्जर्व करो, क्योंकि जैसे आप सोचोगे वैसा ही आप फील करने लगोगे। तो अगर आप नेगेटिव सोचने लगोगे तो उस टॉक्सिक पर्सन की नेगेटिविटी आप पे हावी होने लगेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन टॉक्सिक लोगों के कॉन्टैक्ट में आते ही आप कॉन्शियसली सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स चूज करो, ताकि उनकी नेगेटिविटी आप पे हावी ना हो सके। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, लर्न टू से नो। इन टॉक्सिक पीपल से आप जितना दूर रह पाओ उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसलिए बस जितना नेसेसरी है उतना ही टाइम इनके कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश करो। अब कुछ लोग होते हैं जो ना नहीं बोल पाते। पता है कि ये बंदा टॉक्सिक है, इसके साथ ज़्यादा देर मैं रहता हूँ तो मुझ में भी नेगेटिविटी भर जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो बंदा आके कहता है चल भाई पार्क से घूम के आते हैं, तो भी ना नहीं बोल पाते। इससे ये लोग और भी ज़्यादा सर पे चढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये ना नहीं बोल पाता, बस हाँ में हाँ मिलाता है, इसलिए वो इस चीज़ का भी फायदा उठाने लगते हैं। तो आपको इन टॉक्सिक पीपल को ना बोलना सीखना होगा। आपको उनसे फॉर्मली ये कहना होगा, नहीं भाई आज थोड़ा काम है, आज टाइम नहीं है। तो ऐसा कोई भी मौका मत छोड़ो जहाँ पे आप चाहो तो ना बोल सकते हो, जिससे कि आपको इनके साथ मिनिमम टाइम स्पेंड करना पड़े। तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को समअप करूँ तो टॉक्सिक यानी कि नेगेटिव पीपल से डील करने के लिए आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें फॉलो करना है। नंबर 1, डोंट ट्राई टू फिक्स देम। नंबर 2, चेंज योर सेल्फ। एंड नंबर 3, लर्न टू से नो। जैसे कि किसी ने कहा है, डोंट लेट नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल रेंट स्पेस इन योर हेड, रेज द रेंट एंड किक देम आउट। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी उनकी लाइफ में इन नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल को ईजिली डील कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।